बात कर लेते हैं सियासी पिच पर 26 का तोड़ क्या है 39 का गठजोड़। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक हुई। पीएम मोदी ने कहा, देश के लिए स्थिर सरकार जरूरी, मेरे शरीर का हर कण देश को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिया भरोसा, कहा एनडीए के तीसरे कार्यकाल में भारत की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर होगी। विपक्षी एकता पर पीएम मोदी का प्रहार, बोले अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास पास तो आ सकते हैं लेकिन साथ नहीं आ सकते, हमें गाली देना इनकी पहचान। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया एनडीए का मतलब, कहा एन से न्यू इंडिया, डी से विकसित राष्ट्र और ए लोगों की आकांक्षा है, युवा महिलाएं मध्यम वर्ग दलित और वंचितों को एनडीए पर भरोसा। 2024 को लेकर पीएम मोदी का दावा, एनडीए की बैठक में बोले चुनाव दूर नहीं है, देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर से एनडीए को ही मौका देना है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी का हमला, कहा जब गठबंधन भ्रष्टाचार के इरादे से हो, जब परिवारवाद की नीति पर हो, तब देश को बहुत नुकसान होता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे बोले, 39 पार्टियों के प्रमुख बैठक में शामिल हुए, सभी दलों में आत्मविश्वास था, इस बार चुनाव में 330 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। एनडीए घटक दल के नेता ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद, वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी भी बैठक में शामिल, सभी ने पीएम मोदी पर जताया भरोसा। एनडीए की बैठक के बाद पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा के साथ अजीत पवार की हुई मीटिंग, सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा। दिल्ली के अशोका होटल में हुई एनडीए की बड़ी बैठक, मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी का हुआ जोरदार स्वागत, 39 पार्टियां बैठक में शामिल हुई। एनडीए की मीटिंग के लिए पहुंचे पीएम मोदी और चिराग पासवान के वीडियो ने खींचा ध्यान, पैर छूने के लिए चिराग झुके तो पीएम मोदी ने लगा लिया गले। एनडीए की बैठक के बाद चिराग पासवान बोले, हम सबको मिलकर पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव जीतना है क्योंकि मोदी का चेहरा ही सबसे बड़ा चेहरा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।